भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कैरेबियाई टीम में कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है। बता दें कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति के अध्यक्ष कर्टनी ब्राउन ने एक बयान में कहा, क्रिस गेल भारत दौरा और बांग्लादेश का दौरा नहीं खेलेंगे। हालांकि इससे क्रिस गेल के प्रशंसकों में खासा नाराजगी है। वह चयन के लिए उपलब्ध इस समय नहीं है। हालांकि इंग्लैंड टीम के वेस्टइंडीज दौरे और अगले साल विश्व कप के लिए उपलब्ध रहेंगे। T20 सीरीज के लिए आंद्रे रसेल, किरण पोलार्ड और डैरेन ब्राओ जैसे धुरंधर खिलाड़ियों T20 सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा होंगे। कार्लोस ब्रैथवेट को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। कार्लोस ब्रैथवेट कप्तान, फेवियन एलन, डैरेन ब्राओ, सिमरन हेटमेयर, इविन लुइस, एस्ले नर्स, कीमो पॉल, ओवेड मैकॉय, खेरी पियर्स, किरण पोलार्ड, रोमेन पावेल, दिनेश रामदीन, आंद्रे रसेल, सरफेन रदरफोर्ड, ओसेन थॉमस फिटनेस टेस्ट होगा। रसेल के 4 नवंबर से शुरू हो रही T20 सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है। इसके चलते उन्हें T20 टीम में लिया गया है। पोलार्ड पिछली बार सितंबर 2017 में इंडीज की तरफ से T20 मैच खेले थे। ब्राओ तो 2016 के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं। गेल ने भारत के अलावा बांग्लादेश दौरे के लिए भी खुद को अनुपस्थित बताया है। वे इसके बाद इंग्लैंड दौरे के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने 2 दिन पहले जमैका की तरफ से अंतिम लिस्ट ए मैच खेला था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।